हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, गर्मियों में आपको सबसे ज़्यादा फूल कौन कौन से प्लांट देते हैं, या मेरे यहाँ अभी कौन कौन से प्लांट पर फ्लावरिंग बहुत बढ़िया हो रखी है, इस वीडियो में सभी के नेम, केयर सब कुछ शेयर करूँगी। इसलिए पूरा ज़रूर देखिए, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वो भी बेल आइकन के साथ। सो आप मेरे सामने गुलाब देख रहे हो। गुलाब पर इस टाइम पर बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग होती है और इस टाइम पर ही हमें इसकी बहुत केयर भी करनी होती है। कैसे केयर करनी है, कैसे इनकी प्रूनिंग करनी है, कौन सा खाद डालना है, इस पर वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गुलाब की बहुत सारी वैरायटी होती हैं, फूलों के कलर काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कुछ हाइब्रिड होते हैं, देसी होते हैं, पहाड़ी होते हैं। 60 रुपीज़ से स्टार्ट होकर 300-400 तक भी आपको गुलाब नर्सरी में देखने को मिलते हैं। गुलाब को ज़्यादातर से एयर लेयरिंग से, कटिंग से तैयार किया जाता है, जो कि आप अपने घर पर भी इस प्लांट को इजी तैयार कर सकते हो। इसकी पत्ती ज़्यादातर से ब्राउन होने लग जाती हैं, तो उसके लिए आपको इसमें पानी चेक करना होता है और वाटरिंग भी टाइम टाइम पर करनी होती है। पूरी केयर पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो का। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्लांट है हमारा सुख शांति। सुख शांति प्लांट भी इस टाइम पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और इस प्लांट को घर में रखना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। इसको भी आप इजी से कटिंग से तैयार कर सकते हो। ये प्लांट इतना हार्डी है और परमानेंट प्लांट है। एक बार नर्सरी से ले आओगे, सालों साल आपके पास रहेगा। इसकी पत्तियाँ कभी ख़राब नहीं होती हैं, अगर आप टाइम टाइम पर इनमें खाद पानी वगैरह डालते रहते हो तो। कटिंग से इसके कितने भी प्लांट अपने घर पर आप तैयार कर सकते हो। इसके फूल वाइट कलर के होते हैं, छोटे होते हैं, इसमें आपको रेड कलर भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट मेरे यहाँ पर देखिए, अभी बुगनवेलिया बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग कर रहे हैं और ये वाला बुगनवेलिया मैंने कटिंग से तैयार किया हुआ है, क्योंकि बुगनवेलिया का क्या होता है कि वो एक तो परमानेंट प्लांट होता है और काफ़ी हार्डी प्लांट होता है। बुगनवेलिया की आपको बहुत सारी वैरायटी भी मिलती हैं, इसमें हाइब्रिड वैरायटी होती हैं, देसी वैरायटी होती हैं, और ये प्लांट कटिंग से इजी तैयार हो जाता है। इसका बोनसाई बहुत ही बढ़िया बनता है। अगर आप बनाना चाहते हो तो बोनसाई भी बना सकते हो, या फिर आप इसे बेल की तरह कहीं पर भी फैला भी सकते हो, कहीं बाउंड्री पर या फिर जैसे रेलिंग पर, मेन गेट पर, इस तरीके से आप इसको फैला सकते हो। नेक्स्ट है टिकोमा। तो इस टाइम पर देखिए, इस प्लांट को गोरी चोरी भी बोलते हैं, कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है और गुच्छों में इस पर फूल आते हैं बहुत ही सारे। इसके फूलों में कोई खुशबू नहीं होती है, लेकिन ये प्लांट काफ़ी हार्डी होता है और परमानेंट प्लांट होता है। गुच्छों में फूल आते हैं, पूरा दिन की धूप में रखिए, बस पोट आपको थोड़ा बड़ा लेना होगा, मिनिमम 10 से 12 इंच का, क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप इसको ज़मीन में लगाओगे तो बहुत ही बड़ी प्लांट ट्री शेप ले लेता है। ये कटिंग से इजी तैयार होता है और नर्सरी में ये प्लांट आपको 80 से 100 रुपीज़ का इजी से मिल जाएगा। लेकिन इसी प्लांट पर इसके फूल आने के बाद बीज भी बनता है, तो आप इसको बीजों से, कटिंग से, एयर लेयरिंग से अपने घर पर भी इजी से तैयार कर सकते हो। 15 से 20 दिन में एक बार आपको इनमें खाद ज़रूर डालनी होती है, फास्फोरस वाली। नेक्स्ट है हमारा सदाबहार। विंका भी बोलते हैं, सदाबहार भी बोलते हैं। ये प्लांट परमानेंट प्लांट होता है और काफ़ी हार्डी प्लांट होता है। इसके फूलों के बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि ये पूजा में भी चढ़ाए जाते हैं और अपने गार्डन को डेकोरेट के पर्पज़ से आप रख सकते हो। इसमें ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बीज जहाँ पर भी गिरते रहते हैं, इसका न्यू प्लांट खुद से ही तैयार होता रहता है। पोट आप इसमें 5 से 6 इंच से लेकर 7 से 8, जितना मर्जी अपने अकॉर्डिंग आप इसको पोट दे सकते हो। नेक्स्ट है हमारा ओलियंडर या फिर कनेर। इसकी भी बहुत सारी वैरायटी होती हैं। इसमें पिंक कलर होता है, येलो कलर होता है और काफ़ी हार्डी ये प्लांट होता है। इसी जब इसके फूल बंद हो जाते हैं आने, तो इस पर फलियां बनती हैं, फलियों में इसका बीज होता है, तो आप इसे बीज से, कटिंग से, एयर लेयरिंग से अपने घर पर इजी तैयार कर सकते हो। इस प्लांट के जो फूल होते हैं गुच्छों में आते हैं और इसको आप पूरा दिन की धूप में रख सकते हो, ये जल्दी से ख़राब नहीं होता है। मेरे पास इसके तीनों कलर हैं, पिंक भी है, ये वाइट भी है और येल्लो कलर भी है। जो येल्लो कलर वाला इसका प्लांट होता है, उस पर एक ही फूल खिलता है येल्लो कलर का, लेकिन देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। ये वाला गुच्छों में फूल देता है। नेक्स्ट है हमारा हिबिस्कस। हिबिस्कस मेरे यहाँ पर पूरे साल ही फूल देता रहता है, गर्मी में भी, सर्दी में भी, इसलिए मैं हिबिस्कस प्लांट को भी परमानेंट ही बोलती हूँ। और इस पर
उसकी केयर कैसे करनी है, खाद कौन सी डालनी है, या मैं देखभाल अपने हिबिस्कस की कैसे करती हूँ, मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं, आप चाहें तो चैनल पर चेक कर सकते हो। हिबिस्कस को भी ज़्यादातर से इसमें मीलीबग्स की प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए ना मैं नीम ऑयल का यूज़ करती हूँ। नीम ऑयल को गुनगुने पानी में तैयार करके 15 दिन में एक बार अपने प्लांट पर स्प्रे कर देती हूँ। उससे ना तो इसकी पत्तियाँ ब्राउन होती हैं और ना ही इस पर मिलीबग्स कीड़ा वगैरह ज़्यादा लगता है। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि इसके फूल मुझे बहुत ही पसंद होते हैं और इसके फूलों के बहुत सारे कलर मिलते हैं। इसमें आपको देसी वैरायटी भी मिलती हैं और हाइब्रिड भी। नेक्स्ट प्लांट है हमारा मोगरा। मोगरा भी एक परमानेंट और हार्डी प्लांट ही होता है। मोगरा के फूलों की खुशबू बहुत अच्छी होती है। इसको आप कटिंग से, एयर लेयरिंग से ईजी तैयार कर सकते हो। अभी भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हो मोगरा की रेत में, अगर लगाना चाहो तो। रेत में इसकी कटिंग बहुत जल्दी तैयार होती है। अगर आप चाहते हो कैसे लगानी चाहिए इसकी कटिंग, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको इसकी कटिंग लगाकर दिखा दूंगी। इसके बाद फ्रेंड्स, मोगरा भी परमानेंट प्लांट है। नेक्स्ट प्लांट है हमारा अमायरस लिली। अमायरस लिली देखिए मेरे यहाँ पर ये अभी भी फूल दे रहा है। ये प्लांट को बल्ब से तैयार किया जाता है और मैं इसका सिर्फ एक बल्ब लेकर आई थी और एक बल्ब से ही इसके देखिए कितने सारे प्लांट तैयार हो गए हैं इसकी जड़ों में। अगर हम चाहें तो इन्हें निकाल निकाल कर अपने सेपरेट प्लांट बहुत सारे तैयार कर सकते हैं। ये भी काफ़ी हार्डी प्लांट होता है। मेरे पास लिली की कई सारी वैरायटी है। रेन लिली है और स्पाइडर लिली है, डे लिली है, बहुत सारे प्लांट हैं मेरे पास लिली के। डे लिली पर भी अभी फ़िलहाल फ्लावरिंग हो रखी है, लेकिन वो छत पर रखा हुआ है और मैं अभी नीचे आपको अपने प्लांट दिखा रही हूँ। तो ये वाला प्लांट काफ़ी हार्डी होता है और मैंने पूरा दिन की धूप में रखा हुआ है, कोई एक्स्ट्रा केयर नहीं करती हूँ। नेक्स्ट है हमारा चांदनी। तो चांदनी के भी आपको 2-3 वैरायटी मिलती हैं और चांदनी का प्लांट ज़मीन में लगाओगे तो इस तरीके से भूसी बनता है और बहुत ही सुंदर लगता है, क्योंकि ये काफ़ी घना देखने को लगता है प्लांट। और पॉट में लगाओगे तो इस टाइम पर सूख जाता है, लेकिन ज़मीन में ना तो ये सर्दी में सूखता है और ना ही गर्मी में सूखता है। फूल छोटे होते हैं लेकिन देखने में अच्छे लगते हैं। मैंने इसको ज़मीन में ही लगाया हुआ है, पूरा दिन की धूप में रखिए, बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करेगा। कटिंग से भी आप इसको ईजी तैयार कर सकते हो, एयर लेयरिंग से भी ये तैयार हो जाते हैं। वैसे चांदनी प्लांट आपको नर्सरी में भी 50-60 रुपीज़ के ईजी से मिल जाते हैं। पेंटास के फूलों के कलर काफ़ी डिफरेंट होते हैं और गुच्छों में फूल आते हैं। ये एक परमानेंट प्लांट होता है, अगर आप एक बार ले आए तो जल्दी से ख़राब नहीं होगा और ओनली 20-30 रुपीज़ का ही नर्सरी में आपको मिल जाएगा, या फिर आप इसे अपने घर पर कटिंग से, बीजों से ईजी ग्रो कर सकते हो। और पोट में बिल्कुल भर के चलता है, आप इसे अपनी छत पर भी रख सकते हो, क्योंकि ये पूरा दिन की धूप को भी ईजी से झेल जाता है, जल्दी से ख़राब नहीं होता। लेकिन अगर आप बालकनी में रखना चाहते हो जहाँ पर आधा एक घंटे की धूप आती है, तो वहाँ पर भी रख सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्रोसेंड्रा। क्रोसेंड्रा भी आपको ओनली 40 रुपीज़ का नर्सरी में मिलता है, कटिंग से ईजी तैयार होता है। फूलों के कलर बहुत सारे होते हैं और एक खास बात ये है, अगर एक बार ले आओगे तो सालों साल ये प्लांट आपके पास रहने वाला है। मेरे पास ये खुद प्लांट 3-4 साल हो गए और तब से ऐसे के ऐसे ही है, और मैं इसकी कटिंग ग्रो करती रहती हूँ, क्योंकि ये कटिंग से इजी तैयार होता है और पूरा दिन की धूप में मेरी छत पर पड़ा रहता है। मैंने इसको 8 इंच के पोट में लगाया। नेक्स्ट हमारा बेबी सनरोज। बेबी सनरोज काफ़ी हार्डी प्लांट होता है और ये एक सकुलेंट है। इसमें भी पानी कम डलता है, बस पत्तियों को आप साफ रखिए, स्प्रे करके पानी डालिए। इसको जितनी अच्छी धूप मिलती है उतने अच्छे ये फूल देता है। अगर आप इसको बालकनी में रखते हो आधा एक घंटे की धूप में, तो इसकी पत्तियाँ बहुत आती हैं और इसके फूलों से भी अच्छी इसकी पत्तियाँ लगती हैं, आप इसे रख सकते हो। ये प्लांट ओनली आपको 40-20 रुपीज़ का ही मिल जाता है, लेकिन अगर आपके आसपास कहीं आपको छोटी सी कटिंग भी इसकी मिल जाए, तो आप इसको कटिंग से इजी तैयार कर सकते हो। और इसके फूलों के कलर भी आपको 2-3 तरह के मिलते हैं। आप इस प्लांट को हैंगिंग पॉट में अगर लगाओगे तो बहुत सुंदर ये लगता है लगा हुआ। प्लास्टिक बोतल में लगा सकते हो, छोटे से छोटे पॉट में आप इसको ग्रो कर सकते हो, या फिर इसी के ऊपर इसका बीज बनता है, आप इसे बीज से भी ग्रो कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।